सारे मेरे प्यारे प्यारे फौजी भाइयों को दिल से मेरा बहुत बहुत प्रणाम। वेलकम टू चावला मोटर। स्वागत है दोस्तों चावला मोटर के एक और बेहतरीन ब्लॉग में। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट दलित, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। तो दोस्तों अब फिर आ चुके हैं लांजा, यहाँ पे है बुद्ध भगवान की स्टैचू और ये है 35 फीट ऊपर स्टैचू। पर दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा पास आ जाइए, वॉल्यूम की थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि ये है काफी ऊंचा। और ये देखिए यहाँ का नजारा, यहाँ का नजारा देखिए पूरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बिल्कुल आप बिलीव नहीं करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हर तरह के पहाड़ हैं। ये देखिए भाई इधर आ जाइए, थोड़ा पास आ जाते हैं ताकि हवा की वो लगे। अपने शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ का नजारा, अलग ही अद्भुत अतुल्य। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए ये पहाड़ी कुछ अलग है दोस्तों। ये उत्तराखंड हिमाचल के अलग पहाड़ है, ये उत्तराखंड जैसे पहाड़ नहीं, जैसे हम जाते हैं मसूरी वगैरह, ये वैसे पहाड़ नहीं, ये पहाड़ी डिफरेंट है। हर पहाड़ अपनी एक कहानी बताता है। ये देखिए और ये देखिए, और ठंड कह रही है मैं हूँ, ऐसा नजारा भाइयों। पर अगर आप यहाँ आना चाहते हैं दोस्तों, इतना ऊपर है कई बार ऑक्सीजन की वाकई कमी हो जाती है हमें, पर अगर आप एडवेंचर के दीवाने हैं तो आप एक बार जरूर आइए। पर दोस्तों बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो तो प्लीज उनको मत लाइएगा क्योंकि बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन की और बहुत हाइट पे है। जब आप गाड़ी चलाएंगे, एक बार तो मुझे भी डर लग रहा था जबकि मैं इतने पहाड़ घूमता हूँ, आपने देखा ये वीडियो, मतलब ऐसा है कि चारों तरफ बस खाई खाई, मतलब खाई खाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बाकी देखिए दुनिया एंजॉय ले रही है, पब्लिक आती है यहाँ पे, आप चाहे देखिए हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में पब्लिक का हर जगह से आते हैं लोग यहाँ पे। और ये देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए कितना प्यारा स्टैचू है ये बुद्ध का, ये देखिए बिल्कुल अलग अद्भुत अतुल्य। हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, ये देखिए अलग ही नजारा है। ये देखिए बादल तो ऐसे लग रहे हैं जैसे हाथ में आ जाएंगे अभी। ये देखिए सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, सारे फैमिली से एंजॉय कर रही है। ये देखिए डीजे चैसी भी एंजॉय कर रहा है, हमारा डीजे ब्रो डीजे चैसी, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल, बहुत ही जबरदस्त। आप क्या कहना चाहेंगे लांजा के बारे में, और थोड़ा आप इधर आ जाइए, हवा बहुत आ रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इधर बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर जरूर आए और एक बार लाइफ में आना तो बनता है, ये नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और ये आप जैसे आप कंपेयर करोगे इसको अलग पहाड़ जो हम जाते हैं रेगुलर मनाली, मसूरी मनाली कुछ नहीं, यहाँ पहाड़ हर तरीके के है, मतलब जन्नत का मजा है यहाँ पर, जन्नत का तरीके का यहाँ पर, मतलब तुम्हें एक्सप्लोर करने को मिलेगा नेचर से, जिसको प्यार है वो यहाँ जरूर आए। और शांति कैसी है, शांति कैसी है, पीस एक रात को अकेले बैठ जाओ, मैं कह रहा हूँ सब भूल जाओगे। और आपको आज काजा पे कमरा कैसा मिला, जबरदस्त खाना और परिवार, और खाना कैसा मिल रहा है, कई लोग सवाल करेंगे खाने की दिक्कत तो नहीं है, मतलब कपड़े कैरी कर सकते हो आप। ओके मासी कैसा लगा आपको, बहुत एंजॉय आ रहा है आपको, और आपकी मतलब पूरी फैमिली यहाँ पे आई है, और आपको मतलब कोई दिक्कत का सामना तो करना नहीं पड़ा इतनी हाइट पे, तो मेरे सुनने को मिला था बच जाओ, सांस नहीं ले पाओगे, कुछ भी नहीं है, खूब एंजॉय किया। और हर अमेजिंग एक्सपीरियंस। और पहाड़ कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, पहाड़ हर बारी बदल जाते हैं, कहते हैं नए नए तरीके के पहाड़, मजा आ रहा है। तो ये देखिए सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, नमन भी एंजॉय कर रहा है, शौर्य चावला आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ब्रो, है क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों को, है सारे ब्लॉग में आपके दोस्त देख रहे होंगे ये ब्लॉग। ये देखिए बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, ये खड़े हैं। जिया चावला आपको कैसा लग रहा है, जिया चावला आपको कैसा लग रहा है, आप बड़े दिन बाद आए हैं, फुल एंजॉय ले रहे हैं। तो देखिए बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं, नोनी एंजॉय कर रही है, गुड़िया एंजॉय कर रही है, सब कर रहे हैं। निखिल कैसा लग रहा है आपको, और इसको आप जाना बहना चेहरा है, इसको आप पहचानते होगे, अगर आप कमेंट्स में मुझे बताएंगे इस चेहरे को पहचान जाएंगे तो आपको गाड़ी में 10,000 का डिस्काउंट अलग से मिलेगा। ये हमारा भाई, बताइए आप अपनी तारीफ खुद कीजिए थोड़ा। मेरा नाम समीर मक्कर है। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है,
आपका खुद का यूट्यूब चैनल है? मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं डांस वीडियोस, अपना काम, अपना सारा रैप वैप सब डालता हूँ। अच्छा, जरूर से देखिए समीर मक्कर के नाम से। तो आपने किस कौन कौन कहाँ का प्रमोशन किया है? कौन कौन सी एड्स आई है टीवी में? कहते हैं बहुत एड्स आती है आपकी। मैंने बहुत सारी एड्स कर रखी है, जैसे पास्ता हो गया, अमेज़न की भी कर रखी है, और भी सबसे बढ़िया मैगी के मैगी की भी करी है आपने, कह रहे हैं। तो आप मेरे सब्सक्राइबर को कहना चाहेंगे क्या प्यार आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जिसको नेचर से प्यार है, जो चाहता है कि मैं अपनी जिंदगी को ऐसे खाली ना छोड़ूं, मैं अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करूं। और उत्तराखंड से बिल्कुल अलग पहाड़ है, जिन्होंने उत्तराखंड देखा है वो तो ये भूल ही जाएंगे। तो ये देखिए बच्चे रील बना रहे हैं, फुल एंजॉय ले रहे हैं। देखिए ये देखिए, वाह भाई वाह, ये देखिए बच्चों की रील। तो कहते देखिए परिवार है तो सब कुछ है, परिवार से आगे कुछ भी नहीं। ये देखिए परिवार है तो सब कुछ है, परिवार से आगे कुछ नहीं। फैमिली एंजॉय ले रही है तो हम एंजॉय ले रहे हैं सारा। ये देखिए पूरे परिवार आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं ये देखिए, हर परिवार दूर दूर से आते हैं। विक्की भाई थक चुके हैं, परिवार के साथ फुल एंजॉय ले रहे हैं विक्की भाई। ये हमारे सबसे खतरनाक पायलट हैं जो ड्राइवरी ऐसे करते हैं। विक्की भाई अपनी बलेनो लेके आए हैं। विक्की भाई बलेनो चलाने में दिक्कत तो नहीं हुई कोई आपको पहाड़ में? लोग कहते हैं 4x4 लानी चाहिए, ये लानी चाहिए, वो लानी चाहिए। हमारी गाड़ी ही 4x4 है, खुद 4x4 है। हां, दिक्कत ही नहीं है हमारे को कोई। तो फुल एंजॉय लिया विक्की भाई आपने? गाड़ी आराम से चला के आओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी माइंड को सेटल करके आओ, माइंड को सेटल करके आओ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई खतरा थोड़ा बहुत है, अगर आप ड्राइव करते हो पहाड़ों पे तो वो भी परेशानी नहीं आएगी आपको। लेकिन जगह बहुत अच्छी है, आप सब भूल जाओगे सारे हिमाचल, हिमाचल हिमाचल सब कुछ भूल गए, सब कुछ भूल गए। ये पार्क कहीं पर्पल कहीं ग्रीन, पहाड़ों के रंग चेंज हो रहे हैं, आप देखो मजा आ जाएगा। वो बीच में से निकल रही है कैसे गाड़ियाँ, अरे बीच में वो आ जाते हैं, ऐसी कटिंग कर रखी है, गाड़ियाँ नीचे से जा रही है, ऐसे पहाड़ बने हैं, मजा आ गया। और लेक कैसी आ जाती है बीच में, चलते चलते लेक आ जाती है, बच्चे एंजॉय करते हैं, मैगी बनाते हैं। जो किन्नौर जिला है, किन्नौर के पहाड़ ही बहुत बढ़िया है, मतलब हमें ड्राइव करके इतना मजा आ गया, हम चाहे आनंद आ गया हर चीज में, हर चीज का आनंद। तो भाइयों आइए देखिए, विक्की भाई ने भी अपनी राय दी। ये देखिए काफी बाइकर सब आते हैं एडवेंचर के लिए, दीवाने लोग आते हैं यहाँ पे, दूर दूर से आते हैं। ये देखिए व्यू देखिए कितने प्यारे, ये देखिए काफी लोग आते हैं एडवेंचर देखने का, जिसको जो शौक है, जो एडवेंचर के शौकीन है लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखिए ये जगह ही कुछ अलग है दोस्तों, ये अपने आप में बोलती है कि मैं हूँ स्पीति, मैं हूँ काजा, आइए मेरे पास। और ये इतनी खूबसूरत है, ऐसे लोग नहीं आते यहाँ पे, होते हैं होम स्टे। ये देखिए काफी लोग मेरे भाई देखिए आइए, इतनी दूर दूर बाइक्स लेके आते हैं और इतनी मेहनत से आते हैं, बहुत आसान नहीं होता ये रास्ता आना। ये देखिए हेलो ब्रदर्स, हेलो ब्रदर्स। यहाँ पे काफ़ी फॉरेनर्स भी आते हैं दोस्तों, जो एडवेंचर के दीवाने हैं। ये देखिए तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, ये देखिए दोस्तों क्या नज़ारा, सब कुछ हटके बुला देने वाला ब्लॉग, सच्चाई है दोस्तों। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता नहीं सकता, ये क्या एक्सपीरियंस है मेरे लिए। ये देखिए आपको खुद ही लगेगा, ये देखिए हम लोग जा जाते हैं ग्रुप के साथ, फुल एंजॉय करते हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा आवाज़ ही हमारी आ रही होंगी, थोड़ी बहुत विंड की वजह से हो सकता है आपको वॉल्यूम में परेशानी हो, पर दोस्तों ये नज़ारा देखने के लिए दुनिया वाकई पता नहीं कहाँ कहाँ से आती है। इट्स अ ऑसम एक्सपीरियंस फॉर एवरीबडी कि आप यहाँ पे आइए। ये लांगजा है, नीचे काजा में हमने स्टे लिया है, काजा से ऊपर लांगजा, अब जाएंगे हम कॉमिक, उसके बाद ये देखिए अब हो रही है ठंड, यहाँ पे बढ़ गई है ठंड, बढ़ चुकी है। ये देखिए काफी रील्स बनाते हैं लोग, आते हैं यहाँ पे फुल एंजॉय लेते हैं। ये देखिए तो दोस्तों शौरे, तो दोस्तों ये है यहाँ का एंजॉय, ये है यहाँ का एक एक पल जो हम आंखों में सहयोग के जाएंगे अपने, पर ये एक ऐसा पल है जो कभी एक यादगार रहेगा सालों साल, क्योंकि जब सेकंड टाइम का बात की जाएगी तो एक ग्रुप होगा तो दोबारा जरूर आऊंगा कभी। सिर्फ एक ही बार कहना चाहूंगा, तो दोस्तों ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल एंजॉय लीजिएगा। बच्ची भी कह रही है हमें बहुत मजा आ रहा है गाइस, आप लोग फुल एंजॉय लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर दोबारा अपडेट करूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शंकर की, राधे राधे भाइयों।